amazing. Shahid is brilliant in the movie. बहुत अच्छी केमिस्ट्री, काफ़ी नेचुरल दिखी है और मतलब बहुत ऑडियंस को बांध के रखने वाली केमिस्ट्री है, अच्छी है. हाँ, और सबको पता है कि शाहिद ऐसे बैड बॉय किरदार में लड़कियों को ज़्यादा पसंद आते हैं. बीट कंपनी और उड़ता पंजाब एंड इवन इन बदमाश कंपनी, जब भी वो ऐसे रोल प्ले करते हैं वी रियली लव्ड हिम. बेख्याली, आई रियली लव्ड इट. एंड बाकी सब सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं. नहीं नहीं, स्टोरी लाइन एक्चुअली बहुत अच्छी है, तभी इतने 3 घंटे की मूवी है. आजकल अब आदत भी चली गई है इतनी लंबी मूवी देखने की, पर ऐसा नहीं लग रहा था कि यार ख़त्म हो जाए, खिंच रही है मूवी, काफ़ी इंगेजिंग है स्टोरी लाइन. 5 out of 5 बिकॉज फॉर शाहिद. शाहिद, वी लव यू शाहिद एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर अपकमिंग मूवीज. मूवी तो बहुत अच्छी है यार, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है. शायद तो हर हर अलग अलग पार्ट में दिखाया गया तो वो बहुत अच्छा लगा, हर पार्ट में अच्छा लग रहा है. ऐसा नहीं कि वो ड्रग से तो नफरत हो रही, उसमें भी वो अच्छा लग रहा है. बस प्यार है उसको देख के, फिर से प्यार हो गए. बेख्याली, आपको जितना चाहिए उतना ले लो मुझसे. Shahid has done a really good job. Although I would like to say one thing to the audience, people who haven't seen Arjun Reddy, please watch Kabir Singh first and then watch Arjun Reddy. Otherwise, you will end up, you know, comparing both the characters, which are different. Yeah, Shahid has tried to pull off the character in a different way. If you watch Arjun Reddy first, Vijay Deverakonda was a newcomer. It's a remake, but you end up comparing the character, right? Vijay Deverakonda is a fresh face. We have never seen him. If you watch Arjun Reddy first, then watch Kabir Singh, you will compare Shahid's performance to his performance, which is not fair. Because we have seen Shahid in so many movies earlier. Yeah. So, how is Shahid and Kiara? Shahid has done a very good job. Kiara and Shahid's chemistry is nice. Last scene of the movie, their chemistry goes a little off, but it's okay. Overall, movie is really nice. Any particular song you can sing for us? Bekhayali is, of course, one of the best tracks in the movie. I think everyone likes it. Although my horrible voice wouldn't do justice to the song, so I would not sing it. 3.5. I think it's worth watching because of Shahid Kapoor. It's his best performance till date. So how is Shahid's look like, completely alag avatar? Bilkul alag avatar. Extreme aggression, extreme anger. Aur iske saath saath, he's an alcoholic. He is a drug addict, he is a womanizer, and he is in a medical profession. So aap soch sakte hain ki agar director ne dhyan nahi hota to it would have gone haywire. बट वो प्रोटैगनिस्ट नो फिर भी वो नेगेटिविटी को कैसे ट्रांसफॉर्म करके ही बिकम्स अ पॉजिटिव पर्सन बिकॉज हिज फ्रेंड्स एंड फैमिली सपोर्ट हिम, तो वो बहुत काबिले तारीफ है. स्टोरी बहुत अच्छी है, म्यूजिक बहुत अच्छा है. आई थिंक ऑल द परफॉर्मेंसेज आर वेरी गुड. कायरा अडवाणी का बहुत अच्छा रोल है, एक दो इमोशनल सीन्स है जहाँ पे उनका एक्चुअली एक्टिंग देखने में आती है. और उसके साथ निकिता दत्ता सेकेंड लीड जो है, उनका भी बहुत अच्छा किरदार है हीरोइन का. एंड ऑल द सपोर्टिंग एक्टर्स, अर्जन बाजवान के बड़े भाई, सुरेश ओबेरॉय के फादर, सबके बहुत अच्छे रोल्स हैं. और म्यूजिक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है मूवी का. बेख्याली एक सॉन्ग है विच स्टेज विद यू एंड अदर सॉन्ग्स विच प्ले इन द बैकग्राउंड. तो ओवरऑल आई थिंक इट्स अ वेरी गुड पैकेज. अमेजिंग, दे लुक रियली हॉट. और जो भी सीन में आते हैं ना, वो इंटेंसिटी वो देखने को मिलती है. तो बहुत ही सिजलिंग केमिस्ट्री है दोनों की. देखिए, नॉर्मल पिक्चर से थोड़ी हटके है. एक पढ़ा लिखा नौजवान है, डॉक्टर है, सर्जन है, वो भी गुस्सा अपने काबू में नहीं रख सकता है और वो एक लड़की से प्यार कर बैठता है और प्यार में इतना पागल हो जाता है कि उसकी दुनिया ही पूरी उजड़ जाती है. अलग तरह से पिक्चर बनाई है. पहले जो लैला मजनू और उस टाइप की पिक्चर थी ना, ये मॉडर्न, उसको उसका मॉडर्न रूप दिया गया है. शाहिद का रोल बहुत बढ़िया है, बहुत ही अच्छा रोल उसने किया है. और जो हीरोइन है किया अडवाणी, वो भी बहुत सुंदर लगती है, केमिस्ट्री जमती है. पहला इंटरवल के पहले हीरोइन का रोल है, उसके बाद तो वो आती भी नहीं है. लेकिन वो जो 2-4 लव सॉन्ग्स है और कॉलेज लाइफ बताया, वो बहुत अच्छा बताया. गाना तो नहीं याद रहता है, लेकिन म्यूजिक बहुत अच्छा था. नहीं नहीं, हम लोग फुल फैमिली आते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली इसमें इसका जो शराब और सिगरेट और सेक्स जो इसमें बताया गया ना, तो भाई पहले ना बोली कि मैं नहीं आऊँगी, तुम देख के आओ, हमको ये पसंद नहीं है करके.
रिव्यू तो अभी बच्चे हैं, लड़के लड़के वो लोग तो देखेंगे ही, क्योंकि शाहिद कपूर का जो पिक्चर आता है वो अच्छा ही आता है, एक्टिंग अच्छी आती है, हीरोइन नई है, हीरोइन का रोल अच्छा है। इसमें इसका एक दोस्त है शिवा, उसका रोल बहुत ही टचिंग है और बहुत बढ़िया रोल किया उसने। 5 में से 3 दूंगा इसको। इट वाज ग्रेट। या डायलॉग्स कम है लेकिन जो उसका गेटअप है वो ठीक है। 5 में से 3 दूंगा। आई डोंट नो अबाउट दैट बट मूवी वाज गुड। ठीक ठाक है, इंटरवल तक तो आपके बाद जब स्टार्ट होती है उसके बाद काफी बोरिंग होती है। नहीं, उनका कम रोल था, शाहिद कपूर का ज़्यादा था, वो सिर्फ स्टार्टिंग और एंड में ही थी, मिडल में बिल्कुल नहीं थे। शाहिद से बहुत उम्मीद थी, क्योंकि शाहिद ने जो अपना काम किया वो बहुत ही अच्छा किया। शाहिद 11 के डायलॉग कम है लेकिन जो क्यूट ठीक था मैम, ऐसा मतलब अच्छी दिखाई, फैमिली के लिए नहीं है लेकिन जो भी था बेस्ट था, अच्छा था। सही था। 4.5 कैसी लगी आपको? मुझे मतलब ज़्यादा अच्छी भी नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ ऐसा है कि जो शाहिद कपूर का काम है आई थिंक उनकी लाइफ का सबसे बेस्ट काम बोल सकते हैं। उनको जो एक्टिंग की है उन्होंने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है, और जो कियारा है वो क्यूटनेस, उनके डायलॉग कम है फिल्म में कियारा के, लेकिन जो उनकी जो एक्सप्रेशंस हैं, जो फीलिंग्स हैं वो अच्छी दिखाई दी। केमिस्ट्री अच्छी है। हाँ सर, आपको कैसा लगता है कि मतलब जो शाहिद कपूर की अब तक की मूवीज थी उसमें से ये इनका ब्लॉकबस्टर नहीं ब्लॉकबस्टर तो मैं नहीं बोल सकता ये साबित होगा, लेकिन हाँ ये है कि शाहिद कपूर ने जो एक्टिंग की है वो बहुत काबिल तारीफ है और वो बहुत अच्छा वर्क किया उन्होंने। स्क्रीन प्ले और सॉन्ग के बारे में क्या बोलना? सॉन्ग एक अच्छा है, जो बेखुदी में भी तेरी इस टाइप ख्याल है, बेख्याली में भी तेरा ख्याल है, वो बहुत सॉन्ग अच्छा है। और इसके अलावा बाकी आई थिंक ज़्यादा सॉन्ग अच्छे नहीं बोल सकते। हाँ स्क्रीन प्ले जो है हाफ के बाद काफ़ी लूज हो जाता है। मैं 3 दूंगा। शायद इस क्लास शायद तो वैसे ही एक्टर अच्छा ही है, इसलिए अच्छा नहीं एक्टर बट ब्यूटीफुल इज डन अ गुड जॉब, द पिक्चर इज गुड, द म्यूजिक इज गुड एंड द बेस्ट पार्ट इज द एंडिंग, मेक्स यू क्राई ऑफ सिनेमा। नहीं बहुत अच्छा, बहुत द स्टोरी इज वेरी गुड, तो एवरीथिंग इज गुड, द थिंग सॉन्ग्स इज बहुत ज़्यादा सॉन्ग्स एक्चुअली सॉन्ग्स ज़्यादा डाल दिए। पिक्चर बिकम्स वेरी थोड़ा लेंथी भी है तो बीच बीच में थोड़ा बोर होता है बट एंड में एकदम पिकअप कर लेते हैं। यस शो ऑफ 7 परफेक्ट मूवी एंड एज वी नो दैट वाज ऑसम मूवी आई या वी लाइक्ड इट। हाउ वाज शाहिद इन द मूवी? शाहिद वाज सुपर्ब एंड बेसिकली द मूवी वाज बेस्ड ऑन द इंडियन लव स्टोरी इन व्हिच द डैड कम्स एंड स्पॉइल्स द लव स्टोरी बट एट द एंड ही गिव्स ब्लेसिंग टू बोथ देम। Shahid is awesome. And our blessings are with the movie. All the best, Shahid. And songs. Yes, yes. Super duper fan of Shahid from starting. Yes. बहुत अच्छा लगा, लाइक जिस हिसाब से उन्होंने करा रोल, लाइक ही इज नॉट ड्रगोलिक एंड द ड्रिंकोलिक राइट, सो उन्होंने जिस हिसाब से मूवी में कॉपी करा ड्रग्स लिया एंड इट वॉज अ परफेक्ट। इट वॉज गुड, awesome it was. Yeah. Not as like all songs are good, but the Mere Sonia was an awesome song. Yeah. 4.8. It was really really good. I think the romance which they have which they have portrayed was really raw. Something I have not seen on the screen since very long time. And I think this was Shahid's one of the best performance ever. So I think this movie is going to be his best movie ever in his career, and I wish him all the luck. And I was there in the movie, so I saw myself as well. Really really good movie, and I wish Shahid all the best, and I hope the movie does really good business on the box office. That's all. Yeah, thank you. Awesome, mind blowing. I think the rawness of that love story is the real feel of the movie, and that's the best part of the movie. Yeah, I'm part of the movie and I have felt something like this as well in my real life, so I really connected with the movie as well. Any song which
I really liked Bekhayali. I really liked that song. What is that? Tera Ban Jaunga. I really liked that song. Tera Ban Jaunga. And all the songs of the movie are great. So yeah, I loved it. At least four. The movie is not good at all, so just don't watch the movie. And I'll tell you one thing, Kiara Advani is okay in the movie. Shahid Kapoor might be good, but eventually the movie is all lovey-dovey romantic types and there is nothing you can watch. Just don't go. Thank you. Out of 5, how much? 1.5. Mind-blowing movie. It's paisa vasool, total paisa vasool. Yeah. Yeah, sure. शायद कल आऊँगा फिर देखने के लिए, आज तो नहीं आ पाऊँगा. श्योर आऊँगा देखने के लिए. हाँ, अलग ही साइको, उनका जो साइको वाला लुक है, साइको, उनको साइको बताया गया है. कुछ कुछ बदल जाते हैं कभी कभी प्यार में, तो ओनली फॉर लव, तो इसीलिए वो साइको हो गए हैं लव के लिए. तो मैं बोलना चाहूँगा साइको मत होइए, जो प्यार करते हैं छोड़ के मत जाइए सच्चे दिल से. तो मूवी वॉज ऑसम एंड स्टोरी इज आपको दिल को छू जाएगा, आपको उठने नहीं देगी सीट से. एंड जो बेहतरीन मोमेंट है क्लाइमेक्स, मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहूँगा, आपको मूवी देखने पड़ेगी. जो सबसे बेस्ट पार्ट है क्लाइमेक्स, आपको पता चलेगा, आपको रुला देगी. हाँ, 170, हाँ 174 मिनट्स. हाँ, 3 घंटे की, तो लगभग 3 घंटे की है. तो कुछ कोई भी एक सीन नहीं है, बोरिंग है. मैं आपको बोल रहा हूँ, आप उठ नहीं पाएंगे सीट से. ऐसा मूवी बना है कि सही से नहीं दिखा है आपको, पूरा पब्लिक को खींच के रखेगी सीट पे, बैठा के रखेगी, आप उठ नहीं पाएंगे. सो ब्यूटीफुल, सो माइंड ब्लोइंग, क्या ऑसम केमिस्ट्री था, लव स्टोरी.